हमें, और एक बात का ख्याल रखना है कि हमें। हेलो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट ऑन योर टेबल बाय साथी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सोच रहे होंगे ये हरा भरा किचन क्या हो गया है, क्या क्या चीजें हमारी किचन में आ गई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इजी नहीं मिलेगा। ये है धनिया, ये है आंवला और ये है लहसुन, हरा लहसुन इसे कहते हैं। तो आज सुबह सुबह ही सब्जी वाले भैया ये दे गए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए बढ़िया सी रेसिपी बनाओ जो झटपट बनेगी। और ये जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आंवला। आंवला विटामिन सी और आयरन का बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो आज हम बनाएंगे एक चटपटी चटकारेदार चटनी, वो भी इन सारे इंग्रेडिएंट और थोड़े से एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें आंवले को धुल लेना है, मैंने धुल लिया है। अब इसे हम काटेंगे पीसेस में, तो पीसेस में कट करना है हमें। और एक बात का ख्याल रखना है कि हमें इसके बीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने मिक्सी के जार में इस बीज को पीसने की कोशिश की तो आपका मिक्सी का जार ख़राब भी होगा और आपकी चटनी का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें ये बीज नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हमें ये पीसेस कट कर ले रहे हैं। मेरे पास ये 250 ग्राम आंवला है, क्योंकि आयरन से भरा हुआ ये आंवला, विटामिन सी से भरा हुआ ये आंवला होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी ज़्यादा ही चटनी बना के रखती हूँ और थोड़े दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी चटनी तो बनाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो थोड़ी सी ज़्यादा ही चटनी मैं बना लेती हूँ। तो 250 ग्राम आंवले में मैं आधा आंवला इस्तेमाल करूँगी आज की चटनी के लिए। तो इस तरीके से 6 आंवले थे, मैं 6 में से 3 आंवलों का इस्तेमाल कर ले रही हूँ। इसी तरीके से आपको सारे आंवलों के पीसेस कर लेने हैं जितनी चटनी आपको बनानी हो। तो हमने 3 आंवले काट लिए हैं इस तरीके से पीसेस में। अगली कटिंग हम करेंगे ये लहसुन, हरा लहसुन है। अगर आपको ये आसानी से नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो आजकल ये आता है, तो आप नॉर्मल वाला लहसुन भी ले सकते हैं, लगभग 10 से 12 कलियाँ। तो इस तरीके से हम लहसुन की इस हरी डंडी को भी साफ करके काट लेंगे। ऊपर का टिप आपको अलग करना है और एक लेयर अलग करनी, जैसे प्याज में करते हैं, बस उसी तरीके से हम अपने इस लहसुन को काट लेंगे। ये मेरे पास 50 ग्राम लहसुन है, तो पूरा 50 ग्राम लहसुन मैं इस्तेमाल कर लूँगी अपनी इस चटनी में। लहसुन कट के बिल्कुल तैयार हो गया है, बस इसमें अब हम हरी धनिया का इस्तेमाल करेंगे। तो हरी धनिया हम कितनी लेंगे, कैसे लेंगे मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हरी धनिया की एक लच्छी इस तरीके से होती है ना, सिंगल डंडी होती है, बस इसी तरीके से आप 5 से 6 डंडी कलेक्ट कर लीजिए। बस 5-6 डंडियाँ आप ले लीजिए और उतनी ही धनिया आपको इसमें इस्तेमाल करनी। बहुत ज़्यादा धनिया हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखते मैं बताती हूँ मैंने कितनी की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डंडी। अब ये लगभग मुझे लगता है कितनी होगी, ग्राम में तो नहीं बता पाऊँगी, इसीलिए मैंने एक एक स्टिक आपको बता दी है। इस तरह का जो सिंगल वाला गुच्छा होता है, वो 6 गुच्छे मैंने ले लिए हैं। अब इसका जो टिप है, ये टिप, इसको हम कट करेंगे, अंदर चेक कर लेंगे कोई ख़राब धनिया तो नहीं है। अगर लगती है कोई पत्ती तो उसको आप अलग कर लीजिए। और इसकी जो स्टिक होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसी के साथ हम इस चटनी को पीस लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और हमारी चटनी भी थोड़ी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ये डंडियाँ बहुत सॉफ्ट है। टाइट वाली हो तो हटा दीजिएगा। देखिए इस तरीके से, अगर ख़राब पत्ती हो उसको आपको रिमूव करना है, हटा देना है, और फिर ऊपर वाला हिस्सा अलग कर देना है। और इसके बाद हम इस मुलायम डंडी के साथ ही अपनी चटनी को पीस लेंगे। कुछ लोगों को ये डंडियाँ अलाव नहीं पसंद करते यूज़ करना, तो आप खाली पत्तियों के साथ थोड़ी ज़्यादा धनिया लेके आप चटनी को बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने धनिया के ऊपर वाली जो रूट थी, जो जड़ थी, वो हटा दी है और सारी धनिया साफ कर लिए, एक भी पत्ती ख़राब नहीं है। इसको भी हम लहसुन के साथ ऐड कर देंगे। धनिया और लहसुन बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने लगभग 2 इंच का अदरक का टुकड़ा काट के ऐड कर दिया है और साथ में ये आंवला जो हमने काट के रखा था। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से धुल लेंगे। चटनी का सारा मटेरियल तैयार है, कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, मगर इससे पहले हम इन सब चीज़ों को पानी से एक बार फिर से धुल लेंगे। मैं काटने से पहले और काटे के बाद जरूर धुलती हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि सिर्फ काटने से पहले ही धुलते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं धुल के आपसे मिलती हूँ। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से फिर से धुल ली एक बार। अदरक और आंवले को मैंने अलग कर लिया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ टिप शेयर करना रह गया था।
ये जो धनिया और लहसुन है इसको आप रफली कैची से ऐसे ही हल्का हल्का चॉप कर दीजिए। आप चाकू से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। ये काम इसलिए करना है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्यों कर रही हो, क्योंकि हम लोग मिक्सी में चटनी पीसते हैं या सिल में पीसते हैं, अगर आप ये लंबी लंबी ही पीस लेंगे तो इसमें रेसे रेसे से दिखने लगते हैं। अगर आप इसको हल्का हल्का चॉप कर लेंगे कैची या नाइफ से तो वो रेसे वाला जो पार्ट है वो नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी टिप है, मैं चटनी पीसने से पहले किसी भी चटनी में धनिया या लंबी चीज़ें जो हों उसे हल्का सा चॉप कर लेना है। साथ में ऐड करेंगे हम स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, तो मैं 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए मिर्च को ऐड, और कम तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर लीजिए, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकती है। एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हम ये सारी चटनी का जो मटेरियल है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में 1 से 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को मिक्सी के जार में ऐड कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें ऐड करके हम अपनी चटनी को पीस लेंगे। ठीक है, हमने मिक्सी के जार में डाल दी है। हमें एक काम करना है क्योंकि मटेरियल हमारे पास अच्छा खासा ज़्यादा है, तो एक बार हम बिना नमक डाले इसको पीस लेंगे, इसके बाद हम नमक को ऐड करेंगे। अगर लगता है कि एक साथ इतना मटेरियल आपके मिक्सी के जार में नहीं पीस सकता है तो इसे आप 2 बार में भी पीस सकते हैं। एक बार मैंने देखिए इस तरीके से पीस लिया है, जिससे हमें अंदाज़ा हो गया है कितना टोटल हमारा मटेरियल है। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है, जितना भी आप तीखा नमक खाते हो। हमने नमक ऐड कर लिया है और फिर से हम मिक्सी का जार बंद करके अपनी चटनी को बढ़िया सा पीस लेंगे। तो चटनी हमारी बिल्कुल अच्छे से पीस चुकी है, बहुत बढ़िया लग रही है। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट एक और हम ऐड करेंगे जिससे हमारी चटनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट करने के लिए। चटनी में आप ऐड करिए 1/2 नींबू का रस, इससे चटनी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, और ये जो आंवले का तीखापन होता है ना, थोड़ा सा कसैलापन होता है, उसको भी बैलेंस करेगा। नींबू का रस ऐड करने के बाद आप स्पून से अच्छे से चला लीजिए। मैं नींबू का रस डालने के बाद मिक्सी नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चलाते समय मिक्सी गर्म हो जाती है और नींबू को गर्म नहीं किया जाता है, तो इसको आप स्पून से मिक्स कर लीजिए। चटनी बिल्कुल तैयार है, कितनी बढ़िया चटनी बनी है। आप दाल चावल भरे पराठे किसी के साथ भी चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी, चटनी पीसते समय हो सकता है आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़े, क्योंकि धनिया और ये जो लहसुन की पत्तियां होती हैं ड्राई होती हैं, थोड़ा सा इसको पीसने में हल्का सा पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करिएगा, आवश्यकता अनुसार थोड़ा पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी बनाइएगा ये लाजवाब चटनी, और कैसी लगी है रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।